हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। देखिए, आज आपका मंथली का फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट मंथली टेस्ट है क्लास 8th का, और आपका डे है 7। और ये जो टेस्ट है वो आपका 10 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। तो आपको ये टेस्ट देना है, और इन टेस्ट के जो आंसर्स आप लिखोगे वो आपके होम पे से एक नोटबुक होती है, उसके अंदर जो बीच के पेज होते हैं, जो डुअल पेज जुड़े हुए होते हैं, टुगेदर होते हैं, उन पेजों को आप निकालोगे, 2 1 2 जितने भी आपको चाहिए, जितने में आंसर आए, और उनमें आंसर आप लिखकर फिल करके स्कूल में चेक कराने आओगे। और उसमें आपको लिखना है नेम, आपके फादर का नेम, आपकी क्लास, सब्जेक्ट, और आपको ये लिख देना है फर्स्ट मंथली टेस्ट। तो देखते हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रवि एंड खरीफ क्रॉप्स। आपको दो एग्जांपल देने, रवि क्रॉप्स के भी 2 एग्जांपल देने एंड खरीफ क्रॉप्स के भी 2 एग्जांपल देने, यानी रवि की क्रॉप्स और खरीफ की क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती है, इनके सीजन में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। ये आपका चैप्टर नंबर 1st की वीडियो में मिल जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन और राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच। या तो एक्सप्लेन करो या राइट ए पैराग्राफ, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिखो किनके बीच, किनके ऊपर, ऑन ईच जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला बीडिंग और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बीडिंग यानी खरपतवार हटाना, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण करना। ये आपके चैप्टर नंबर 1st से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें से आप आराम से पढ़ के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो डिफरेंशिएट करना है आपको, अलग अलग बताना है, अंतर बताना है किसमें, खाद मैन्योर में और फर्टिलाइजर्स उर्वरक में, खाद और उर्वरक में आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताने हैं। मिनिमम 3 और 4 डिफरेंश करना है आपको, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन। यदि गेहूं को सोन बोया जाए खरीफ के सीजन में, तो बाट वुड हैपन, तो क्या होगा उस फसल के साथ, क्या होगा, वो फसल उगेगी या नहीं उगेगी, अच्छी उगेगी, बेकार उगेगी, खराब हो जाएगी, क्या होगा, तो वो आपको बताना है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग कल्टिवेशन। ये आपके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उससे रिलेट कर रहा है। तो राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बतानी, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं किसके दौरान, कल्टिवेशन यानी खेती के दौरान। यानी खेती के दौरान आपका 7 कार्य होते हैं जो आपको मैंने लिखा दिए हैं, आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को लर्न करके। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स। 5 लाइन लिखनी है यूजफुलनेस, आपके बुक्स में 10 लाइन्स दे रखी है, मैंने भी आपको 10 लाइन्स कराई, लेकिन पेपर में आपको ओनली 5 लाइन्स लिखनी है, 10 लाइन्स लिख के नहीं लाएंगे। राइट 5 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के आपको 5 लाइन्स लिखनी है, किसके ऊपर, उनके यूजफुलनेस के ऊपर, उनका क्या उपयोग है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा, 10 लाइन्स नहीं पूछे हैं, 5 लाइन्स पूछे हैं, तो 10 लाइन्स लिख के ना लाएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स और पहली एंटीबायोटिक का नाम बताइए। इसके प्रीकॉशंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन देनी है और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 लाइन्स ऑन हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स। तो अभी हमने क्या किया था, यूजफुलनेस, और अभी हमको 5 लाइन्स लिखने किसके, हार्मफुलनेस यानी उनके नुकसान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द माइक्रोब्स विच कैन फिक्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन इन द सॉइल। नेम द माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं, विच जो कैन कर सकते हैं फिक्स, संतुलित एटमोस्फियर नाइट्रोजन, यानी एटमोस्फियर नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को संतुलित कर सकते हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, ऐसे माइक्रोब्स के आपको नाम बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के 5 ग्रुप्स लिखाए थे मैंने, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, डिफाइन करना है उनको, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं आपके। तो वाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स, ये आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का है, 10 नंबर का मार्क्स है, बीच में से कॉपी निकाल के आपको उनके आंसर लिख के लाने हैं। थैंक यू।